अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं फार्मास्टिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं ताबूते सकीना और हैकले सुलेमानी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, ताबूते सकीना क्या है? ताबूते सकीना दरअसल एक ऐसा संदूक है जिसमें जलीलुल खदर पैगंबरों के तबरुकात और आसमानी यशियां रखी गई थी। ताबूते सकीना दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इसीलिए इस संदूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक उनके तबरुकात महफूज थे, और इसी ताबूत में पत्थर की दो तख्तियां भी थी जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर पर उतारी थी। इन तख्तियों पर अल्लाह ताला के 10 अहकामात मौजूद थे, और ताबूत में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक और वो बर्तन भी था जिसमें से मनोसलवा निकलता था। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये वो संदूक था जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में रखकर दरियाए नील में बहा दिया गया था। इस मुकद्दस संदूक में वो सारी चीज़ें मौजूद थी जिससे जलीलुल कदर अंबिया से था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी की थी। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना की हिफाजत का ख्याल डाला था। आप ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक बड़ी इमारत तामीर करना चाहते थे, मगर अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा ना कर सकें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताबूत सकीना के लिए एक इमारत का बेड़ा उठाया था और जिन्नात की मदद से इस इमारत की तामीर शुरू कर दी। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और इन जादू के नुस्खों को बंद करके एक माबद में छुपा दिया, और यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के माबद को ही हैकले सुलेमानी कहते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैकले सुलेमानी की तामीर जिन्नात की मदद से शुरू कर दी। बयां होता है कि हैकले सुलेमानी की तामीर के आखिरी मराहिल में अल्लाह ताला ने आपको आगाह कर दिया था कि आपकी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह के आगाह करने के बाद उन्होंने जिन्नात को हुक्म दिया कि उनके लिए एक शीशे का एक कमरा बनाए। कमरा बनाना मुकम्मल होने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस कमरे में चले गए और लाठी के सहारे खड़े हो गए ताकि मौत का वक्त आने पर उनका जिस्म मुबारक ज़मीन पर ना गिरे। और जिन्नात यही समझते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा है और हैकले सुलेमानी की तामीर जारी रखें। कुरान मजीद में भी इस वाक़े का जिक्र मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब हैकले सुलेमानी की तामीर जिन्नात ने मुकम्मल कर ली तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिस लाठी के सहारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे उसे दीमक ने खाकर खोखला कर दिया, और वो आप अलैहिस्सलाम का बोझ ना सह सकी, और आप अलैहिस्सलाम जो मौत वाक़िया होने के बाद उस लाठी के सहारे खड़े थे गिर गए, जिससे जिन्नात और दीगर मखलूक़ात को आपके मौत का इल्म हुआ। और हैकले सुलेमानी में एक कमरा बनाया गया था जिसका कुदस नाम दिया गया।
वहां एक पर्दे के पीछे एक मेहराब था जिसमें ताबूते सकीना रखा गया था। ताबूते सकीना एक शमशाद की लकड़ी का संदूक था जो हजरत आदम अलैहि सलाम पर नाजिल हुआ था। ये हजरत आदम अलैहि सलाम की पूरी जिंदगी तक उनके पास रहा। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कफ्फार से जिहाद करते थे और कफ्फार का लश्कर की कसरत बड़ी देखकर परेशान हो जाते थे, जब वो इस संदूक को आगे कर देते थे तो इस संदूक से ऐसी रहमतों का ज़हूर होता था जिससे उन सब के दिलों में सुकून और इत्मीनान आ जाता था और बनी इसराइल को फतेह हासिल हो जाती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाता था तो लोग इसी संदूक से फैसला करवाते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ सुनी जाती थी। अंजील मुकद्दस के मुताबिक ताबूत सकीना की लंबाई 4.25 फुट, चौड़ाई और ऊंचाई 2.25 फुट की है। इसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है। यहूदियों का मानना है कि ताबूत सकीना जो इनसे कहीं खो गया है, तब तक वो इस ताबूत को ढूंढकर मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी बनाकर इसमें ये ताबूत को नहीं रख देते, उनका मुसाहिबा नजूल नहीं होगा। 2012 में फलस्तीन ये जांच किया कि इसराइल के यहूदी साइंसदान केमिकल यूज़ करके मस्जिद अक्सा के दीवारें कमज़ोर कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान गुस्सा हो गए। इससे साफ जाहिर होता है कि यहूदी अपने मिशन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और दूसरे तरफ आसार खदीमा के इल्म से वो इसे दुनिया के कोने कोने में ताबूत सकीना को ढूंढ रहे हैं। ताबूत सकीना के बारे में कोई 100% तो दावा नहीं कर सकता है कि ये कहाँ है, क्योंकि काफ़ी रिवायतें इसके रिलेटेड मौजूद है। सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि ताबूत सकीना कहाँ है। खैर, इतना कन्फर्म है कि आखिरी दौर में अमामा हदीस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, जिनको हदीस मुजाहिदी कुल के नाम से पुकारते हैं। आ हदीस के रोज़ ताबूत सकीना को ढूंढ निकालेंगे और इसे खुद ही जेरूसलम ले जाएंगे। उस वक्त दुनिया भर के यहूदी जेरूसलम में ही मौजूद रहेंगे। इसके बाद दज्जाल जाहिर होगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल होगा। ये नजूल दमिश्क के जामिया मस्जिद के मीनार पर फजर की नमाज के वक्त होगा। फिर अजीम जंग होगी और इसके बाद याजूज मौजूद फितना बर्बा होगा। इन सब के बारे में हम और एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, उसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में आप लोगों की इस पर राय ज़रूर भेजिएगा। अगर आप हमारे चैनल फार्मास्टेक पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करना, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वी विल बैक विद द अनदर वीडियो सून। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।